नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद व आसपास के क्षेत्र में तूफानी बारिश, कई पेड़ गिरे, बिजली के खंभे भी उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित हो चुकी है। किसानों तथा फसलों पर दोहरी मार है, क्योंकि फसलों की कटाई का समय है और बारिश के कारण ये प्रभावित हो चुके हैं। वहीं किसानों ने कहा है कि बारिश के कारण गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तूफानी बारिश के कारण पेड़ गिरे और उसकी वजह से यातायात भी बाधित हुआ। खासकर गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है या कटाई होनी बाकी है। ओलावृष्टि और तेज अंधड़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। खेतों में फसल पककर तैयार थी। बहुत से ऐसे किसान हैं जो लॉकडाउन के कारण अभी तक कटाई नहीं कर पाए। तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि के कारण ये चपेट में आ गए। आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद से राजेश भांबू के साथ विशेष रिपोर्ट। ये बताइए, जो आज दोपहर बाद बारिश आई है, इसमें किसानों को क्या नुकसान हुआ है? ऐसा है जी, पहले से ही कोरोना का कहर चल रहा है, उसी के कारण किसान को पहले से काफ़ी मार चल रही है। अब ये बारिश जो आई है उसके कारण सारी जो खड़ी कणक थी पकी हुई वो सारी बिछ गई, इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब पहले ही काफ़ी आपदा किसानों पर चल रही है, आप देख रहे हो पीछे सारी कपसर जो पक्की पकाई है सारी बैठ गई है, तो इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। कणक भी बिक गई जी आपकी? हाँ बिल्कुल, कहा सारी कणक जो काटी हुई थी और निकलवाई हुई थी सारी बिक गई जी, काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को, तो बहुत बहुत झटका लग रहा है। तो जो अब औसत में कमी आएगी किसान जो फसल के अंदर? जी 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 बिल्कुल, औसत में कमी आएगी जी। अब यहीं है नुकसान हो गया तो आगे तक पहुँचाने में काफ़ी, देखो आपका क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको तो पता ही है कोरोना का बाद ये नई समस्या एक और आ गई है। बंद हो गया, कोरोना निकल गई।
जसपाल है, ओ जसपाल है, ओ जसपाल है, सुन ले रहा है, एक बाल्टी लिया पानी भर के मारी, मैं तो पानी दिखा दूंगा। बैठ तू तो दिखा देन दे, बारिश करूं दिखाओ वो।